आज हम डिफ्रेंसिएशन के बात करने वाले हैं। देखिए इस इस टाइप का हैंशन को हम कैसे सोल्व करते हैं तो इस टाइप के डिफ्रेंसिएशन को सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं देखिए मैं एक दो तीन तीन क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है किसी एक को सोल्व सोल्व कर लेते हैं तो बाकी दो अपने आप ही सोल्व हो जाता है वैसा ही देखिए ये क्या ए वाई इजकल एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर डॉट डॉट इन्फिनेटिव ये है तो मतलब तो मतलब इसे सोल्व करना है तो इसे सोल्व करना है तो क्या कर सकते हैं डायरेक्ट इसे इसे तो स्क्वायर नहीं कर सकते हैं अरे यार जब इसे स्क्वार करते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक, एक रूट ही हटता है फिर जो ए वाला रूट बचता है पूरा का पूरा एक क्या होगा मतलब इसे इससे मतलब कि सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं देख यहाँ क्या है वाई है और क्या है यहाँ एक, एक से रिपीट हो रहा है रिपीट हो रहा है ना न एक रिपीट हो रहा है तो रिपीट हो रहा है यहाँ से यहाँ था यहाँ भी एक यहाँ एक से इस तरह से रिपीट हो रहा है तो रिपीट हो रहा है तो क्या करते हैं क्या कर क्या कर सकते हैं मतलब रिपीट हो रहा है तो क्या कर सकते हैं तो रिपीट हो रहा है तो देख जहाँ से रिपीट हो रहा है ना वहां से क्या करते हैं यहाँ क्या है वाई वाई तो यहाँ जो रिपीट हो रहा है जो तो इसके इक्वल क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं मतलब लेट कर लेते हैं तो वाई एक्स प्लस यहाँ से मतलब था एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस डॉट डोट डॉट इन्फिनेटिव यह है न देख, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स रिपीट कर रहा है यहाँ से यहाँ से रिपीट कर रहा है किसके इक्वल है पूरा का पूरा टर्म वाई के तो वाई के इक्वल है तो हम वाई के इक्वल ही लेट करेंगे वाई के इक्वल है तो हम क्या पूरा का ये वाला टर्म को क्या करेंगे वाई के ही इक्वल तो वाई के ही इक्वल करेंगे वाई लेट कर लिए तो यहाँ पर फाइनली हमारा क्या लिख सकते हैं यहाँ पर रूट अंडर एक्स प्लस वाई देख अब मतलब पूरा टर्म आ क्या के तो पूरा इजी आ गया अब इसे मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन करना आसान है तो डिफरेंशिएशन क्या कर सकते स्क्वायर कर देते हैं ऐसा भी डिफ्रेंशिएशन कर कर सकते हैं पर स्क्वायर करने से थोड़ा सा और इजी हो जाता है तो रूट वूट क्या होता है हट जाता है इसकी वजह से हम स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स प्लस वाई आ जाएगा हम y स्क्वायर हो जगा y जाएगा यहाँ एक्स है अब इसे डिफरेंशिएशन कर लेते हैं डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ करते हैं तो क्या होगा 2y dy by dx होगा अरे होगा dy होगा one होगा तो यहाँ से देख dy by dx कॉमन लेते हैं कॉमन लेते हैं तो 2y minus one होगा होगा one तो हमारा यहाँ से फाइनली क्या आ गया फाइनली डी वाई बाई डी एक्स तो टू टू वन बटर टू माइनस टू वाई माइनस वन वन बाई टू माइनस वन ये हमारा डिफ्रेंसिएशन हुआ ऐसा ही सलो करता देख यहाँ पर एक्स था यहाँ पर यहाँ पर वाई था यहाँ पर एक्स, एक्स रिपीट कर रहा है यहाँ पर एक्स होता है यहाँ पर जगह यहाँ पर एक्स रहता एक्स इजलता इस तरह से वाई प्लस वाई प्लस रूट अंडर रूट अंडर वाई प्लस डॉट 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 इन्फिनेटिव रहता तो यहाँ एक्स के इक्वल है रिपीट कर रहा है क्या वाई तो जो रिपीट कर रहा है उसको जो लेफ्ट साइड है उसके इक्वल क्या करते हैं लेट करते हैं तो यहाँ पर एक इजक्ल टू हो जाता है वाई प्लस यहाँ क्या है एक्स तो यहाँ एक्स हो जाता है फिर इसी को स्क्वायर करते हैं यही सेम प्रोसेस रहता इसी तरह बनता और ये भी क्या है देख वाई इजक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस तो क्या कर देख रिपीट क्या कर रहा है साइन किसके इक्वल है वाई के इक्वल तो यहाँ वाई मानते हैं साइन एक्स प्लस वाई यहाँ क्या ये क्या है लेकिन रिपीट कर रहा है ना साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इन्फिनेटिव रिपीट कर रहा है तो क्या किसके इक्वल मानेंगे किसके इक्वल है पूरा का पूरा टर्म वाई के तो वाई के इक्वल है हम मानते हैं साइन एक्स प्लस वाई फिर इसी तरह सोल्व करते हैं यहाँ भी क्या है कॉस प्लस कॉस कैर मतलब क्या रिपीट कर रहा है रिपीट कर रहा है किसके इक्वल है वाई के इक्वल तो यहाँ क्या मानते हैं वाई बस ऐसा ही सोल्व करते हैं कुछ है नहीं रूट का डिफ्रेंसिएशन जो इस तरह से रिपीटेड रिपीटेड फॉर्म में रह होता है वह ऐसा ही सोल्व होता है सेम प्रोसेस मतलब एक सोल्व कीजिए दो तीन ऐसा ही जितना आएगा वो मतलब सोल्व हो जाएगा Essa é aí, até...